हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं हैवेल्स का हीटर। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी हैवेल्स का पीटीसी हीटर ओएफआर 11 फिन्स में, जो कि 2900 वोट का आता है, और आज फाइनली इसकी अपने घर पे डिलीवरी हो चुकी है। करेंगे इसको अनबॉक्स, जो कि पूरा पूरा आपके सामने है। और देखो, इसके ऊपर कहीं पर भी आपको फ्लिपकार्ट का लोगो या फ्लिपकार्ट की टेप कहीं भी नजर नहीं आ रही है। और इसमें क्या निकलने वाला, क्या नहीं निकलने वाला, इसका मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। इस पे ये स्लिप, बिल का स्लिप चिपका रखा है, और ये एड्रेस वगैरह, बाकी फ्लिपकार्ट की ना तो इस पे कोई टेप है ना ही कोई लोगो है। अब इसको देर ना करते हुए अनबॉक्स करते हैं। इसको एक बार पास में ला के इसको राउंड कर ले, कैमरा घुमा दे, इसके चारों तरफ कैमरा घुमा दे आराम से, यही आना चाहिए ना। देखो गाइस, चारों तरफ से कोई भी लोगो इस पे नहीं आया था, और बाहरी कवर इस पे कुछ भी नहीं था कि मैंने कुछ हटा दिया वगैरह, ऐसा ही आया था और ऐसा ही मैंने आपको दिखा दिया। ले कैमरा पकड़, इसको अब अनबॉक्स करते हैं देर ना करते हुए। टेबल लानी पड़ेगी। तो फाइनली गाइज, अब इसको निकालते हैं। इस पे हैवेल्स का लोगो आपके सामने दिख रहा है, और वैसे उठाने में काफी हेवी है। बाकी पास में ला कैमरा, अंदर दिखाई इसको क्या है। तो फाइनली गाइस, अपना हीटर अनबॉक्स हो चुका है 11 फिन्स के साथ में ब्लैक कलर। और गाइज, मैं आपको बता दूं, इसकी इन बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना भाई, मजा आ जाएगा। कि और पीछे का लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। कैमरा पास लाना एक बार। तो गाइज, इसके साथ फाइनली दो अपने पास कास्टर व्हील्स है, जो बहुत ही बिल्ड क्वालिटी बहुत ही मजबूत है। और पास में लाना कैमरा, इस पे हैवेल्स का आपको लोगो देखने को मिलेगा इस पे भी। यू रखने के बाद है, इसको आसानी से अपन कर सकते हैं। इसमें गाइस एक फिन छोड़ के दूसरी फिन्स में, इधर से एक फिन छोड़ के इस फिन्स में अपन इसको कैस्टर व्हील को इंस्टॉल करेंगे। और वो कैसे करेंगे, इसके स्क्रू खोल देंगे, और स्क्रू खोलने के बाद में एक फिन छोड़ के दूसरी फिन्स के अंदर इस तरह लगाएंगे। लगाने के बाद में अपना कैस्टर व्हील्स इस प्रकार ये हो जाएगा। अपन इसमें अब वापस स्क्रू को टाइट कर देंगे, और इसी प्रकार आप उधर से भी एक फिन छोड़ के इसमें आप इसको इंस्टॉल कर दोगे। अब दोनों इंस्टॉल करके फिर आपको बताते हैं। ऐसे इसको स्क्रू, दो स्क्रू इधर है, दोनों को टाइट कर दो, हाथ से ही टाइट कर देना, और इस प्रकार ये शो होंगे। आराम से मूवमेंट होगा, आराम से, कैसे भी मूवमेंट होगा आराम से। अपना हीटर इंस्टॉल हो चुका है, जैसे सर्दी होगी इसको यूज में किया जाएगा। गाइज, ये मैंने अपनी माँ के लिए परचेज किया है, मेरी बहुत ही अच्छा ये इसका परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस मतलब इसको आप रूम बंद करके भी आराम से पूरी पूरी नाइट इसको यूज कर सकते हैं। आपका ऑक्सीजन बिल्कुल भी बर्न नहीं करेगा, आसानी से सांस ले पाओगे, गला नहीं सूखेगा, कोई खांसी वासी वगैरह कुछ नहीं होगी, आराम से इसको यूज कर सकते हैं फुल नाइट के लिए।
बंद करके, डोर बंद करके, अदरवाइज ऑफ कर देंगे तो भी आपको इतना महसूस नहीं होगा कि सर्दी लग रही है या नहीं लग रही है। चलो अब इसको, अभी नाइट होगी उसके बाद में इसको चलाएंगे और आपके सामने इसका परफॉर्मेंस आपको बताऊंगा कैसा क्या वर्क करता है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है, कैसे ये हीट देता है और कितने समय में ये रूम को गर्म कर देता है। फाइनली अंधेरा हो चुका है, नाइट हो चुकी है और अब करने वाले हैं इसकी टेस्टिंग। तो गाइस इसकी पिन को लगाते हैं सॉकेट के अंदर फाइनली और मैं इसको ऑन करने वाला हूं और ये अपना हीटर जो कि चालू हो चुका है। पावर कंजप्शन की अगर बात करें तो कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसको प्लग को ऑन करते ही लाइट थोड़ी डिम हो चुकी है। तो गाइस समझ सकते हो आप कि ये कितना लोड ले रहा है अभी। तो गाइस अभी अभी चलाया ही है तो मैं टच करके देखता हूँ, अभी तो कोई फिलहाल हुआ नहीं है। और इसको हाई पे कर देते हैं थोड़ा, इसको फर्स्ट टेस्टिंग है तो एसी। अब पीटी से अगर फैन को अगर अपन ऑफ करते हैं तो इसकी आवाज़ है बिल्कुल जीरो, वॉइस रेजिस्टेंट बिल्कुल जीरो, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि हीटर चालू भी है या बंद है। बस अपने ये इंडिकेशन से अपन को पता चल जाएगा कि हीटर चालू है, बस ये ही एक वो है, बाकी आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साइलेंट हीटर है, बहुत अच्छा हीटर है, ना तो कोई वाइब्रेशन है, जीरो वाइब्रेशन, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है और गाइस बिल्कुल भी नॉइस नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है और बढ़िया तरीके से वर्किंग कर रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अभी मैं इसको यहाँ से टच कर रहा हूँ तो गर्म हो चुका है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको बच्चों से दूर रखें, अगर बच्चा अगर कोई हाथ लगा देगा तो जलता तो है ही, ये गर्म होगा तो ये भी तो रूम को गर्म करेगा ना, तो गर्म हो रहा है इस चीज़ से, जो फिन्स है ना इस चीज़ से बच्चों को दूर रखें प्लीज़। और बाकी जिसकी वर्किंग है ना अमेजिंग वर्किंग है गाइस, बहुत ही अच्छी वर्किंग है इसकी, के साथ में हाई पे ये फुल काम करेगा, फुल का मतलब है 2500 वॉट के साथ ये चलेगा, 2500 वॉट कंज्यूम करेगा। मीडियम पे इसको रखोगे तो ये 200 वॉट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, लो पे आप रखोगे तो ये 1500 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, ऑफ के बाद ये कोई काम नहीं करेगा। ये स्विच आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।